तो ये भाई साहब, ये टीटी सर हैं जो हमें आवाज से बोल रहे हैं। सर आपने कैसे हमें इस बात से बोला, गुस्से से बोला आपने? नहीं सर, ये तो नॉर्मल है, ऐसी बात थोड़ी है। जय श्री राम, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सभी सोच रहे होंगे मैंने आज स्टार्टिंग में जय श्री राम क्यों बोला। दोस्तों आपको बता दूं, आज से हमारी अयोध्या सीरीज जो है वो शुरू हो रही है। वेलकम दोस्तों, कैसे आप सब? आप सभी का एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। अगर मैं आज के ब्लॉग की बात करूं तो आज हम इस टाइम पे खड़े हैं पीटीकेसी पठानकोट कैंट स्टेशन पे। अगर मैं जर्नी की बात करूं तो आज हम कोलकाता एक्सप्रेस में जर्नी करने वाले हैं। ट्रेन नंबर की बात करें 13152, इस नंबर से ट्रेन चलती है। और अगर मैं अपने स्टेशन की बात करूं, यहां तक हम सफ़र करने वाले हैं। हम करेंगे आज अयोध्या तक सफ़र, यानी पठानकोट कैंट से लेके अयोध्या तक हमारी जर्नी होने वाली है। ट्रेन के कोच की बात करें तो एग्जीक्यूटिव थर्ड क्लास में हमारी जर्नी होने वाली है, यानी M1 कोच में आज हम अपना ट्रैवल करने वाले हैं। आज से पहले मैंने इस कोच में ट्रैवल कभी नहीं किया है, ब्लॉगिंग के लिए भी और नॉर्मल भी नहीं किया है। ब्लॉगिंग की खातिर ही आज मैं इस कोच में ट्रैवल करूंगा और आपको जितना हो सकेगा उतना बेस्ट एक्सपीरियंस दिखा पाऊं। और जर्नी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी दिक्कत एक ऐसी आ चुकी है कि मुझे PNR जैसे मैसेज आया था तो उसमें ऐसा आया है कि हमारी ट्रेन अयोध्या को टच नहीं कर रही है। कुछ रीज़न है जिसके चलते हमारी ट्रेन अयोध्या शायद से ना जाए। अगर हो सका, हमारी ट्रेन नहीं गई तो मैं लखनऊ ही उतर जाऊंगा और वहां से फिर बाई बस मैं अयोध्या जाऊंगा, परंतु आपको अयोध्या दिखाना मैं नहीं छोड़ूंगा। अयोध्या दर्शन करके हम रहेंगे। और अगर मैं डेट की बात करूं तो आज डेट है 20 जन, यानी परसों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और आज हम अयोध्या के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। मेरी कोशिश तो रहेगी कि मैं 22 तारीख को जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है वो भी आपको दिखा पाऊँ, जैसा भगवान ने चाहा वैसा ही होगा। ठीक है, चलते हैं, ब्लॉग को शुरू करते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं सारी आपको दिखा के जाऊँगा। उससे पहले आपको एक मैं लोकेशन दिखा दूँ, ये है रेल कोच रेस्टोरेंट पठानकोट कैंट। इसके अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में 1 मंथ पहले बनाया गया है, जिसकी इनॉग्रेशन भी हो चुकी थी। मुझे टाइम नहीं लगा इसलिए मैं आ नहीं पाया, वरना मैं आपको पहले ही इसको दिखा के जाता। अभी अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो ये जो पूरा ये LHB शेप में एक बनाया गया है, जिसमें आपको नीचे देखने को मिलेगी जो टायर हैं वो प्रिंट किए गए हैं और बाकी इस पर सब कुछ लिखा गया है। रेल कोच रेस्टोरेंट कुछ इस नाम से और आई लव पठानकोट। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं स्टेशन के अंदर। अभी टाइम हो रहा है 10:10, हमारी ट्रेन का चलने का टाइम रहेगा यहाँ से 10:25 का, और हमारी ट्रेन इस टाइम पे स्टेशन पे अराइवल ले चुके। चलते हैं जल्दी से अंदर, दिखाता हूँ आपको अराइवल और कर देते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द जर्नी नाउ। ट्रेन अराइवल की बात करें तो हमारी ट्रेन एग्जैक्ट 10:25 अपने अराइवल पे पहुंच गई है। मेरे जस्ट पीछे ही हमारा कोच रहा, ये रहेगा हमारा M1 कोच जिसमें हम ट्रैवल करने वाले। और डिपार्चर की बात करें तो 5 मिनट की यहाँ ब्रेक रहेगी, 10:30 पे हम यहाँ से डिपार्चर कर लेंगे, यानी 22:30 हमारे यहाँ से डिपार्चर रहेगा। चलते जल्दी अंदर, बचे हैं सिर्फ 5 मिनट, लेते हैं अपनी सीट को और दिखाता हूँ इंटीरियर हमारा कैसा रहने वाला है। और एक नई जर्नी की शुरुआत, एक न्यू सीरीज की शुरुआत यहाँ से शुरू हो गई है। अभी अपने अगर मैं कोच की बात करूँ तो M1 कोच आज हमारा रहने वाला है और कुछ इस तरह से आपको उसका इंटीरियर देखने को मिलेगा। अगर मैं अपनी सीट की बात करूँ, आज हमारी 3 नंबर सीट है जो कि अपर बर्थ है रहने वाली है। कुछ इस तरह से आपको हमारी सीट देखने को मिल जाएगी। सीट के ऊपर रीडिंग लाइट है जो कि मैंने ऑन कर ली है ताकि आपको विजिबल हो जाए कि हमारी सीट किस तरह से। 2 चादर और 1 ब्लैंकेट हमें दे दिया गया, इसके साथ 1 पिल्लो भी दे दिया गया। टावल की बात करें, टावल इस जर्नी में हमें नहीं मिलने वाला है। कुछ इस तरह से सीट रहेगी, नीचे भी मैं बैठूंगा, अपनी जर्नी करूंगा और जैसे ही डार्क ज़्यादा हो जाएगा तो उस टाइम पे मैं हो जाऊंगा। नीचे से भी इंटीरियर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ सामने आपको 4-5-6 सीट देखने को मिल जाएगी। हर सीट पे आपको अलग तरीके से वेंट दिए गए हैं, यहाँ से जो ब्लोर की हीट है वो अंदर आ रही है। इस टाइम पर भूख भी मुझे काफ़ी अलग चल रही थी, इसलिए निकालते हैं अपना खाना और करते हैं अपने खाने को शुरू। खाने की बात करूँ तो वही अपनी फेवरेट परौंठी आज रहने वाली। थोड़ी देर में चाय मंगाता हूँ और करता हूँ डिनर, आपसे मिलता हूँ मैं डिनर के बाद। टाइम
अगर मैं बात करूं तो स्टेशन के आउटर पे मैं खड़ा कर दिया गया है। लोकेशन की बात करूं, जलंधर कैंट जंक्शन से हम मात्र 200-300 मीटर की दूरी पे ही खड़े हैं। और हमारी ट्रेन एक कॉप पे रुक गई है जो कि लीन करी हुई ट्रेन काफ़ी ज़्यादा हमें प्यारी लगी। ये जो आप सामने जाती हुई ट्रेन देख रहे हैं, ये ट्रेन जा रही है अमृतसर के लिए। और ट्रेन की बात करें गोल्डन टेम्पल मेल मुंबई टू अमृतसर, ये ट्रेन रहने वाली है। 12903 इसका नंबर है। और इस ट्रैक को आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा जिसमें मैंने पठानकोट से लुधियाना तक का ट्रैवल किया था। हमारे सामने से आ रही ट्रेन की बात करें, इसका नाम है श्री शक्ति एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 2246 पर इसका नंबर रहेगा। और ये ट्रेन दिल्ली से चलती है और श्री माता वैष्णो देवी हमें सुबह 5:40 तक उतार देती है। ये ट्रेन फुल्ली एसी ट्रेन है, इसमें कोई भी आपको जनरल कार और स्लीपर या कोच देखने को नहीं मिलेगा। और इसके जर्नी टाइम की बात करें 10:30 आरे लगाती है अपनी जर्नी ख़त्म करने के लिए। इसी के साथ जलंधर में अगर अराइवल की बात करूं तो 12:05 पे हमारा यहाँ पे अराइवल हो गया है। और अगर टाइम की बात करूं तो 12:25 पे यहाँ पे हमारा अराइवल था, यानी हमारी ट्रेन यहाँ पे 20 मिनट एडवांस ही आ चुकी है। 25 मिनट हमारा यहाँ पे होल्ट रहने वाला है और एग्जैक्ट 12:30 पे हम यहाँ से चलेंगे। जलंधर कैंट की बात करूं तो जैसा हर बोलकर बताता हूं मैं आपको कि इसका काम चला हुआ है, कभी भी इस पे स्टेशन पे आएं तो समय से पहले आएं ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़ सके। डाइवर्जन की बात करें तो यहाँ से एक डाइवर्जन आपको मिल जाएगी अमृतसर जाने के लिए, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और काफ़ी ज़्यादा ट्रेन आपको अमृतसर जाने के लिए भी यहाँ से मिल जाएंगी। LHB अभी जर्नी शुरू ही की LHB कोच में और हमारी ट्रेन ने काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ रखी। 110 तक अभी हम अपनी स्पीड में आए थे, परंतु तब भी हम इस स्टेशन पर एडवांस ही पहुँच गए। खुद एस्टिमेट लगा लें कि 20 मिनट एडवांस ही हम इस स्टेशन पर आ चुके हैं। दोस्तों अगर मैं जलंधर कैंट की बात करूँ, जितने भी डिफेंस के स्टूडेंट्स हैं या बैंकिंग के बच्चे हैं जो अपने एग्जाम्स वगैरह देते हैं, उनके लिए स्टेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सेफ्रन टावर, आपने एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स वहीं पे होते हैं। जितने भी ऑनलाइन एग्जाम दिए जाते हैं सबसे ज़्यादा सेफ्रन टावर में ही दिए जाते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में 7-8 times एग्जाम सेफ्रन टावर में दिए हैं। उसकी भी यहाँ से लोकेशन की बात करूँ तो आपको यहाँ से जस्ट बाहर ही जाना पड़ेगा, आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा, 30 rupees लेगा और आपको सेफ्रन टावर छोड़ देगा। किलोमीटर्स की बात करूँ, सेफ्रन टावर यहाँ से हार्डली 2-3 kilometers तक ही पड़ता। इसी के साथ एग्जैक्ट 12:30 पर हमारे यहाँ से डिपार्चर हो गया। इसी के साथ अभी अगर बात करें तो समय हो रहा है 1:15 और अभी हम इस टाइम पे पहुंच चुके हैं लुधियाना स्टेशन पे। मेरे जस्ट पीछे रहेगी हमारी ट्रेन। अगर यहाँ पे अराइवल की बात करूँ तो 1:45 पे यहाँ पे हमारा अराइवल था और हम 30 मिनट यहाँ पे एडवांस ही पहुँच चुके हैं। डिपार्चर की बात करें तो 1:55 पे हमारा यहाँ से डिपार्चर। अभी लुधियाना स्टेशन पे अगर मैं ट्रेन की बात करूँ तो हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी है जम्मू राजधानी, जो कि जम्मू से आई है और न्यू दिल्ली जा रही है। हम पठानकोट से चले थे 10:30 पे और ये चली थी 11:15 पे और लुधियाना हम दोनों बराबर ही पहुंचे हैं। अगर मैं लुधियाना की बात करूं तो लुधियाना सतलुज नदी के ऊपर बसा हुआ है और 100 टॉप स्मार्ट सिटीज़ में देखा जाए तो 48 नंबर इसका ऑल ओवर इंडिया में रहने वाला है। इसी के साथ अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और सबसे ज़्यादा रिच सिटी ही पंजाब की यही मानी जाती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट सिटी यही है अगर आपने कोई बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर। अगर मैं अपनी यहाँ की फेवरेट लोकेशन की बात करूँ तो गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब भी लुधियाना में ही है। स्टेशन से हार्डली आपको 1 kilometer का डिस्टेंस पड़ेगा, कभी भी आएँ तो वहाँ जाना कभी ना भूलें। और दोस्तों जिन जिन लोगों ने लुधियाना से कभी ना कभी कपड़े खरीदे हैं वो कमेंट में आके जरूर बताना कि यहाँ के कपड़े कैसे हैं और कितने सस्ते पड़ते हैं। ट्रेन में अगर वॉशरूम्स की बात करें तो हमें 2 washrooms देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक रहेगा वेस्टर्न स्टाइल का जो वॉशरूम है, इसको देखा जाए तो अभी इसकी जो सफाई वगैरह काफ़ी अच्छी है, रोल वगैरह सब कुछ पड़ा है, डिस्पेंसर भी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और कुछ इस तरह से इसका जो ओवर रिव्यू है वो रहेगा। ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए मिल जाएगा एक कोट, यहाँ पे आपको एक जो फ्रेग्रेंसर है वो दिया गया, ऊपर आपको फायर अलार्म सेंसर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पीछे आपको लाइट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे फाइनली मिरर जिसपे हम अपनी ब्लॉगिंग शूट कर रहे हैं। तो पैरों करते हैं साफ, जो सोबली था उसको साफ किया। इसके दूसरा अगर वॉशरूम की बात करें
तो ये आपका नॉर्मल रहेगा जैसा हमारे घरों में होते हैं, यहाँ को सीटिंग सीट मिल जाएगी। कंडीशन के बाद कंडीशन ठीक है, शायद से फ्रेशनर काम नहीं कर रहा, थोड़ी सी स्मेल मेरे को लग रही है, बाकी तो ठीक है। वोटर देखा जाए तो वोटर है, और इसकी सबसे अच्छी खास बात, हमें जो वोटर है वो हमें पैर से ऑपरेट करने पड़ता है और जो पानी है वो चल पड़ता है। डिस्पेंसर इसमें भी हमें शो हो रहा है, काफ़ी हद तक अच्छा दिया गया, और ये साथ में मिरर रहा, और ये दोस्तों हमें सेल्फ भी दी गई है, यहाँ बोला गया आप स्मोकिंग वगैरह नहीं कर सकते, कुछ इस तरह से था। अगर अभी यहाँ पे बाहर पानी का देखो तो वही हमें वैसे ही है, कहाँ गया यार, पैर से ऑपरेट करना पड़ेगा, जैसे हम करेंगे तो वैसे प्रेशर आ जाएगा। पानी की क्वांटिटी अभी ठीक है, यानी पूरी जर्नी में हमें जो वोटर है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, बाकी पता नहीं। इसमें डिस्पेंसर देखा जाए तो डिस्पेंसर है, ऐसी बात नहीं खत्म है, अभी डिस्पेंसर है। इसी के साथ एग्जैक्ट 1:55 पे यानी 1:55 पे हमारे यहाँ से डिपार्चर हो गया, एग्जैक्ट टाइम पे यहाँ से डिपार्चर हो गया, 45 मिनट यहाँ पे एडवांस आ गए थे। भाई साहब खींच लियो थोड़ी जान दो यार जल्दी। और दोस्तों ये रहा गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब जिसकी मैं बात कर रहा था, इस बाउंड्री वॉल के बीच आपको गुरुद्वारा देखने को मिलेगा। कभी भी आए तो यहाँ आना कभी ना भूले, मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ दर्शन करता जी सर। तो ये भाई साहब ये टीटी सर हैं जो हमें आवाज से बोल रहे हैं। सर आपने कैसे हमें इस बात से बोला, गुस्से से बोला आपने? जी सर ये तो नॉर्मल है, ऐसी बात थोड़ी है। इसी के साथ अभी अगर मैं टाइम की बात करूं तो अभी टाइम हो रहा है 2:10 और मुझे नींद काफ़ी ज़्यादा लगी है, मैं सोचा सो लेता हूं और सुबह अब आपसे मिलूंगा मैं 9 या 10 के आसपास, शायद 10 के आसपास हम रामपुर होंगे, आपको वहीं से दिखाऊंगा ब्लॉगिंग कि रामपुर से आगे जर्नी कैसी रहती है। बाकी माफ़ी चाहूँगा कि आपको बीच की जर्नी दिखा पाऊँगा, नींद भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, सीरीज बहुत लंबी जाने वाली है, ये कम से कम 5-6 लोग आएंगे। मैं चलता हूँ सोता हूँ, आपसे डायरेक्ट अब मैं सुबह जाके ही मिलूँगा। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज डेट है 21 और अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कोलकाता एक्सप्रेस में। अभी अभी मैं उठा था और मैंने सोचा ब्लॉगिंग जल्दी से शूट करना शुरू कर देते हैं। अभी अगर मैं टाइम की बात करूं तो अभी टाइम हो रहा है 10:15। अभी जिस स्टेशन पे हम पहुंचे हैं, स्टेशन का नाम है नगीना, मेरे जस्ट पीछे ही स्टेशन रहेगा। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो इस समय हम एंटर कर गए हैं यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में, और अयोध्या यहाँ पे हमने जा रहा है वो भी यूपी में ही पड़ता है। अभी दोस्तों मॉर्निंग हुई थी और सामने ही हमें देखना राम मंदिर वाले झंडे देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगे मुझे मॉर्निंग में, ऐसा भी देखने को मिल गया। अभी आगे गए हमें पत्री की तरह कुछ देखने को मिलेगा, करते हैं हम लोग को एंजॉय। और आप यहाँ से देखें बनगी सर बनगी, स्टेशन के टाइम की बात करें तो यहाँ पे हमारा पहुँचने का समय था सुबह के 7:55 का, और अभी हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं 10:15 पे, यानी हमारी ट्रेन 2 आवर के आसपास डिले हो चुकी है। फोग इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है, आप बाहर देख पाएंगे कि विजिबिलिटी इस टाइम पे थोड़ी सी ही है, बिल्कुल इस साइड भी फोग है और उस साइड भी काफ़ी हद तक इस समय फोग पड़ गई है। देखते हैं हमारी ट्रेन कितनी डिले होती है और कितनी ऑन द टाइम हमें स्टेशन पे पहुंचा देती है। लास्ट स्टेशन की बात करूं तो हमें लखनऊ ही उतरना पड़ेगा, ट्रेन अयोध्या नहीं जा रही है, मैंने कंफर्म कर लिया, अभी उठा भी था तब भी कंफर्म कर लिया। हमारी ट्रेन से लखनऊ तक जाएगी, वहां से हम उतरेंगे, फिर वहां से बाई बस हम जाएंगे श्री अयोध्या जी के लिए। तब तक आप यहां से डिपार्चर देखें। चाय कर रहा चाय तो बनती है, कितने पैसे चाय बनती है? 10 रुपये। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बात करें तो डिनर के टाइम की मेरे पास परौंठीज बच गई थी, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग में खा लेता हूँ, और इसके बाद मैंने चाय ली है जिसमें हमें जो टी बैग मिल रहा है वो सरगम कंपनी का रहने वाला है, और कुछ इस तरह से आपको बाहर का व्यू देखने को मिल रहा है।
से एक रेड लाइट और हमारी ट्रेन को स्टेशन के आउटर पे ही दोबारा से खड़ा कर दिया गया। न जाने कितनी देर अब यहाँ खड़े रहेंगे, इसके बाद ही हमें मुरादाबाद जंक्शन में देखने को मिलेगा। ट्रैक डाइवर्जन की बात करें तो अभी इस टाइम पे हम खड़े हैं मुरादाबाद जंक्शन के बेस्ट कैबिन पे और यहाँ से सामने से एक ट्रैक जा रहा है। ये ट्रैक हमें गाज़ियाबाद जंक्शन लेके जाएगा और वाया अमरोहा हो। अपनी ट्रेन में कोचेज़ की बात करें, सबसे आगे आपको देखने को मिलेगा सेकंड एसी, उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे थर्ड एसी, और जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं थर्ड एसी इकोनॉमी, इसके साथ ही है हमारे साथ पेंट्री कार, और पेंट्री कार के पीछे आपको देखने को मिल जाएंगे स्लीपर कोचेज, और इसी के साथ इसके लास्ट में तीन जनरल के डिब्बे भी दिए गए, यानी 20-22 की कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारी ट्रेन रवाना हो रही है। मुरादाबाद तो है इंडस्ट्रियल एरिया है ज़्यादातर, है ना? सिटी फैक्ट्री, हाँ जी, पीतल नगरी, हाँ ब्रास सिटी बोलते हैं इसको। WDP फ्री है। दिल्ली रामनगर ट्रेन, दिल्ली से रामनगर जाने वाली ट्रेन हमारे जस्ट सामने से ही जा रही है। इसी के साथ अभी अगर बात करें तो हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन पे। यहाँ पहुंचने की बात करें 9:47 यहाँ पहुंचने का समय था और 12:07 पे हम मुरादाबाद जंक्शन पहुंच रहे हैं, यानी 2 hours 30 minutes हमारी ट्रेन डिले चल रही है। ब्रास की बात की जाए तो मुरादाबाद से एक काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो ब्रास है यानी पीतल है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है और सेल आउट भी किया जाता है। मुरादाबाद की बात की जाए तो मुरादाबाद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी भी है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार माने तो 9,700 रुपीज़ का टर्नओवर अकेली मुरादाबाद ने ही किया था। किलोमीटर्स की बात करें तो 550 किलोमीटर की जर्नी अभी तक हमने कवर कर ली है और अभी 300+ किलोमीटर की जर्नी हमारी रिमेनिंग है।